नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। पंजाब में भी स्वाइन फ्लू की दस्तक दी गई है और इसी के चलते पंजाब के सभी सरकारी अस्पतालों में इस बीमारी के इलाज के लिए तैयारियां मुकम्मल करने के दावे सरकारी अस्पतालों के प्रबंधकों की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसी के अंतर्गत गुरदासपुर में भी सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि अब तक कोई भी स्वाइन फ्लू का मरीज उनके पास नहीं आया है और उसके बावजूद उनकी तरफ से इस बीमारी के इलाज के पूरे प्रबंध किए गए हैं। आपको बता दें कि पंजाब में इन दिनों स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल रही है। कुछ ज़िलों में इस बीमारी की लपेट में आए हैं और कुछ मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। गुरदासपुर के सिविल हॉस्पिटल बटाला में अस्पताल प्रबंधकों की तरफ से इस बीमारी के साथ पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए एक अलग वार्ड स्थापित किया गया है। और सिविल हॉस्पिटल के सीनियर मेडिकल ऑफिसर संजीव भल्ला ने जहाँ स्वाइन फ्लू बीमारी के लक्षणों के बारे में जानकारी दी, वहीं उन्होंने बताया कि इस इलाके में अब तक स्वाइन फ्लू की चपेट में कोई मरीज नहीं आया है। उन्होंने बताया कि उसके बावजूद उनकी तरफ से इस बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में हर तरह की दवा उपलब्ध है और विशेष तौर पर इस बीमारी के इलाज के लिए हर प्रबंध उनके पास है। प्राइम न्यूज 24 के लिए बटाला से विक्की मलिक की खास रिपोर्ट। सिविल अस्पताल बटाला विखे स्वाइन फ्लू निजिठण लई योग प्रबंध कर दिए गए हैं। साडे कोल सफिशिएंट अमाउंट विच मेडिसिन अवेलेबल है। इस वास्ते एक आइसोलेशन वार्ड, एक स्वाइन फ्लू कॉर्नर स्थापित कर दिया गया है। हर डॉक्टर चाहे वह सरकारी है चाहे वह प्राइवेट है, उन्होंने स्वाइन फ्लू के सिमटम बारे और ट्रीटमेंट बारे जानकारी दे दी गई है। और उन्होंने सारियां यह अपील की गई है कि कोई भी शक्की मरीज जो कैटेगरी ए या कैटेगरी बी में है और जरा कोई भी फ्लू लक्षण रखता है पर ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने असी जी मेडिसिन है वह दे दईए कि मॉर्बिडिटी तो मोर्टैलिटी ये दोवें घट जाए तो असी अपने समाज को सेहतमंद रख सकी। अजे तक कोई मरीज एडमिट नहीं हुआ तो ना ही कोई यह छक के घेरे वाला मरीज आया है, जो कि सारे स्टाफ न इस बारे सजग किया हो। स्वाइन फ्लू के साइन सिमटम जोड़े ने लक्षण जोड़े ने वह बहुत नॉर्मल जे ने, जिद जुकाम बुखार गला खराब नीचा ये आम सिमटम है जो आम लोगों इस मौसम हो जाते हैं। जोड़े भी लक्षण इन्हों हो और आम दवाई के नाल जो ठीक नहीं हो रहे होना मेडिसिन उपलब्ध कराई जा सकती है। ये भी ध्यान योग है कि यह बीमारी ड्रॉपलेट या फोमाइट ना फैलती है, इस करके ये मरीज तकरीबन एक मीटर की दूरी पर रहन। जे किसी कोई ज़्यादा शक लगता है भी बाहरों आउंदी हिस्ट्री है, उस मरीज को आइसोलेट कर दिता जाए ता कि वह दूसरे में यह बीमारी ना फैलावे। जुकाम बुखार गला खराब सिर दर्द यदा मरीजों का शक के घेरे रखा जाए, इस बीमारी के उत्ते काबू पाया जा सकता।